बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। तो आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर। तो बीफ बर्गर के लिए मैंने हाफ के जी कीमा लिया, जिसको मैंने वॉश करके निचोड़ लिया। एक अंडा लिया, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया, काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक लिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है। तो चले स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हम सारी चीज़ों को बारी बारी इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और एक अंडा, बिस्मिल्लाह। तो चलें इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आपने हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। चलें इसको साइड पे करते हैं, ये रेडी हो गया। अब हम इसकी, तो चलें सॉस तैयार करने के लिए हम लेंगे मायोनीज, चिली सॉस, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। साथ ही केचप ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। चलें तो इसकी सॉस तैयार करके इसको साइड पे करते हैं। तो इसको करते हैं साइड पे। तो अब हम इसको करते हैं, तो आपने हल्के हाथों से ही इस तरह इसको बना लेना है, बहुत ज्यादा इसको दबाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बना के इसको साइड पे रखते जाएं। दरमियान से आप इसको थोड़ा सा और दबाएं इस तरह से, क्योंकि दरमियान से ये ज्यादा फूल जाती है। तो चलें साथ ही ऑयल को गर्म करते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, आराम से तवे पे रखते हैं, बिस्मिल्लाह। तो पैटीज को आप पैन भी फ्राई कर सकते हैं और तवे पे भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर तवे पे कर रही हूँ। चलिए इनको लो फ्लेम पे आप 5-6 मिनट तक पकाएं। तो देखिए टाइम हो गया, तो इनकी साइड को चेंज करते हैं, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आया, बिस्मिल्लाह। चलें तो दूसरी साइड पे हम एक पैन लेंगे, तो उसमें बिस्मिल्लाह मक्खन ऐड करते हैं। बन को हल्का सा गर्म करेंगे। चलें तो बन को दोनों साइडों से हल्का सा गर्म करते हैं, बिस्मिल्लाह। इनकी साइड चेंज करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये गर्म हो चुके हैं हल्के से,
तो बन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें इस तरह से। तो पैटी हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलें हम बर्गर को तैयार करते हैं। सुनिए, अब इसी लो फ्लेम के ऊपर हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। बिस्मिल्लाह। तो हल्की सी इसको मेल्ट होने देंगे, फिर हम बर्गर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलेंगे, अब यहाँ पर हम एक डिश लेंगे और उसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो यहाँ पर हल्की सी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, तो हम इसको बिस्मिल्लाह आराम से उठा के इसके ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर जाएगी बंद गोभी। आप सलाद भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। अब इसके ऊपर रेडी की हुई ये सॉस चलेंगे। तो ये बीफ बर्गर जबरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।